नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं अपने मूंग में खरपतवार को कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मूंग दो पत्ती तीन पत्ती मूंग है, इसी टाइम हमें खरपतवार करना है, ताकि इस समय खरपतवार भी छोटा होता है और अगर छोटे खरपतवार पर हम स्प्रे करेंगे तो वो जल्दी से नष्ट हो जाएगा और इसमें दवाई की डोज है वो भी हम कम रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैंने अपने 2 एकड़ में मूँग की बिजाई की है, इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा है। 2 तरह का खरपतवार है, मोटी पत्ती का भी, चौड़ी पत्ती का और छोटी पत्ती का भी खरपतवार है। इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ सवाल कंपनी की पटेला, इसका यूज़ करके हम मूंग के खरपतवार को आसानी से जला सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि स्प्रे करने के सावधानियाँ जो बरतनी है, वो सावधानी, पहली सावधानी है कि ज़मीन में नमी होनी चाहिए, जिस समय बारिश वगैरह हुई हो या फिर हमें हल्का पानी लगा देना है उसके बाद स्प्रे करना है। तो स्प्रे करते समय एक सावधानी ये रखनी है कि स्प्रे शाम के टाइम करना है, स्प्रे में जो पानी हम लेंगे वो साफ़ पानी हो और 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करना है, मतलब कि एक टंकी में हमें लमसम 50 ml के हिसाब से स्प्रे करना है। सवाल कंपनी की पटेला दवाई है, इसमें अगर हम साल्ट की बात करें तो इसमें साल्ट है सोडियम एसीफ्लोरोफेन 16.5% और क्लोडिनाफो 8% ईसी, ये इसमें जहर है। दोस्तों, ये थी हमारी मूंग में खरपतवार को नष्ट करने की दवाई। मिलते हैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जवान जय किसान।